नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कुख्यात गैंगस्टर हरियर ने किया आत्मसमर्पण, एनकाउंटर से घबराया शातिर। उपचुनाव में हारने दिग्गजों का बिगाड़ा बैलेंस, राजस्थान में छिड़ा बयानों का युद्ध, वहीं हवा हवाई निकले भाजपा के दावे। छापामार कार्यवाही में चार नाबालिगों को कराया मुक्त, देव व्यापार का हुआ खुलासा। प्रेमियों ने त्योहार की तरह मनाया वैलेंटाइन डे, प्यार का किया इजहार, वहीं बजरंग दल ने दिखाए तेवर। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके हरिया गुर्जर द्वारा हरियाणा के पलवल में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की खबर है। हरिया गैंग के सदस्यों की हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ दिन पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में हरिया का साथी अरुण गुर्जर पुलिस की गोली में मारा गया था। वहीं गैंग का लीडर हरिया अपने दो साथियों के साथ भाग निकलने में सफल रहा था। बताया जाता है कि गैंग लीडर हरिया को एहसास हो चुका था कि पुलिस मुठभेड़ में उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। पुलिस हरिया और उसके साथियों का लगातार पीछा कर रही थी, इसके चलते उसने आत्मसमर्पण करने में ही भलाई समझी। हरिया गैंग पर राजस्थान सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में करीब 40 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और धमकी देने, अपहरण आदि से जुड़े अपराध शामिल हैं। इस गैंग ने अलवर जिले में भी नीमराना और भैरोड आदि क्षेत्रों में वारदात की है। गैंग का मुख्य कार्य क्षेत्र हरियाणा में रहा है। नीमराना में हाल ही इस गैंग ने एक ज्वेलर्स के यहाँ लाखों की लूट की थी। तब से राजस्थान, हरियाणा और यूपी पुलिस इस गैंग के पीछे लगी थी। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बहरोड पुलिस ने मंगलवार रात डकैती की योजना बनाते हथियार बंद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर दर्जनों की संख्या में विभिन्न थानों में लूट, डकैती सहित अन्य मामले दर्ज हैं। इस गिरोह का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी हिमांशु ने बताया कि बदमाशों से कई हथियार, लूटे गए मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर पालिका कार्यालय के समीप तीन बदमाश हथियारों से लैस हैं, जो डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर डीएसपी जनेश सिंह तंवर के निर्देश पर एसएचओ महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस ने मिलकर बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। यह बदमाश किसी बड़ी लूट को अंजाम देने वाले थे। गिरफ्तार हुए शातिर मंजीत और राकेश बहरोड थाना क्षेत्र के एवं जुबेर अलवर सदर थाना इलाके का निवासी है। यह लोग 15 दिनों में 6 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन बदमाशों से अन्य मामलों में भी खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है। उन रोड पे नगर पालिका के पास में कुछ जगह है जहाँ पर 5-6 बदमाश बैठ के कोई डकैती की योजना या कुछ घटना कायद करने की योजना बना रहे हैं। इस पर अपने बहरोड थाने की पुलिस जाब्ता विभिन्न टीमें बना करके उनको घेरा किया, घेरा करके उनको पकड़ा। इसमें तीन बदमाशों को तो पकड़ लिया, मैं हथियार के बांधने में सफल हो गए। इस पर हमने प्रखंड पंजीकृत किया है डकैती की योजना में। हमने इनसे तीन तो हथियार बरामद किए, एक पिस्तौल बरामद किया है, तो करीब 8 दर्जन कारतूस हैं, मोबाइल हैं, 2 मोटरसाइकिल से बरामद किए हैं। इनका जो मेन गैंग है, इनका गैंग लीडर है वो रोहित जाट करते हैं। और इसने गैंग बहरोड में रह करके ये कहीं पर कमरा किराया लेकर के या कहीं पर रह करके ये कई दिनों से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनसे अब तक के जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें करीब 8-10 वारदातें रिसेंटली जो की गई थी उनका खुलासा हुआ है। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं और आगे जो तीन लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, एक तो मंजीत पुत्र महिपाल है जिसके करीब बहरोड थाने के इलाके का रहने वाला है, और इससे एक तो पिस्टल और एक कारतूस और एक एयर पिस्टल बरामद हुई है, और इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन मुकदमे बहरोड थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है। दूसरा राकेश पुत्र अम्बीलाल अहिर है और ये बने सिंहपुरा नीमराना का रहने वाला है, और इसके खिलाफ भी जो आपराधिक प्रकरण है उनको हम रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। जुबेर पुत्र रमजान जाति मेव सदर अलवर का रहने वाला है, इसके खिलाफ करीब दर्जन भर मुकदमे लूट, डकैती और मारपीट के मुकदमे इसके दर्ज हैं। बाकी जो मेन सरगना है रोहित जाट, वो मातनहेल थाना पड़ता है, थाना सालावास, जिला झज्जर जिले का उसका रहने वाला है, और यही मेन गैंग है, यही गैंग बना करके लूटता है। ये पूर्व के अंदर अगर आप लोगों को ध्यान हो,
2011 के अंदर भीम राणा में भूप सिंह यादव के साथ मिर्ची डाल करके वारदात इन्होंने की थी। उस घटना में इस दौरान लोग मिले थे, जेल में बंद रहे थे और उसके बाद से लोग अलग अलग विभिन्न इलाकों में गैंग बना के एक लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और आज भी किसी बड़ी लूट को, किसी गाड़ी को लूट को अंजाम देने के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अजमेर अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा में भाजपा की हार के बाद राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। जहां भाजपा के भीतर ही कई नेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं उन दावों की भी चर्चा है जो उपचुनाव के दौरान समय समय पर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने किए थे। दूसरी ओर अब कई दिग्गज आरोप प्रत्यारोप पर उतर आए हैं। राजस्थान उपचुनाव में हार से पार्टी आलाकमान चिंतित है। इसके लिए हाल ही में बैठक कर हार की समीक्षा की गई और तय किया गया कि जल्द ही सत्ता संगठन में बदलाव किया जाएगा। भाजपा निष्क्रिय मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक हटाएगी और नए नेताओं को मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल में भी फेर बदल की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन सरकार के सामने वह नेता भी सिर दर्द है जो भाजपा के होते हुए विरोधी स्वर अपना रहे हैं। अलवर में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर रोहिताश शर्मा कह चुके हैं कि उच्च नेताओं तक जनता का फीडबैक पहुंचने नहीं दिया गया। के जो जिन लोगों को मिलाया जा रहा है, वो चूंकि जो भी मिलाया जा रहा था वो विधायकों की मर्जी से मिलाया जा रहा था, विधायकों की च्वाइस पर मिलाया जा रहा था, उसमें आम जनता नहीं थी ना। अगर ये आम जनता वसुंधरा जी तक पहुँचती, कई मौकों पर वसुंधरा जी को पता लगा तो वसुंधरा जी ने एक्शन किया, जैसे बहरोड में नहीं हुआ तो यहाँ करके डांट डपट लगाई। इसके अलावा कई स्थानीय नेताओं ने बड़ बोलापन अपनाया, वहीं टिकट तय करते समय गुटबाजी भी सामने आई। उधर अलवर शहर से पिछली बार टिकट के दावेदार रहे पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने भी मौका देकर वार किया और कहा कि विकास कम या ज्यादा होने से जनता नाराज नहीं होती, बल्कि उसके साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। वहीं चुनाव के दौरान भाजपा के दावे हवा हवाई भी साबित हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी अलवर में सैकड़ों करोड़ के कामों को गिनाकर जीत के दावे करते रहे। खुद प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव ने 3 लाख मतों से जीत की बात कही। राजस्थान प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडवगढ़ विधानसभा। तीनों स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे और आपने देखा होगा तीनों स्थानों का जो माहौल है कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब को समर्पित किए हैं और उन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक लोगों को मिला है, उन योजनाओं के कारण हम पुनः अजमेर लोकसभा भी जीतेंगे, अलवर लोकसभा भी जीतेंगे और मांडलगढ़ विधानसभा भी जीतेंगे। जनता जिसको आशीर्वाद दे रही हो उसको चुनाव कैसा लगेगा, उसको तो ये लगेगा कि हम कितने भारी मतों से जीतेंगे, बस ये चिंता है। बिल्कुल हम ये लगा रहे हैं कि निश्चित रूप से ऊपर वाले की कृपा से, जनता के सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व से, अमित शाह के आशीर्वाद से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विकास से, परनामी जी के आशीर्वाद संगठन क्षमता से सारे विधायक और जनता निश्चित जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, निश्चित। इसके अलावा रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा और अलवर विधायक बनवारीलाल सिंगल आदि ने अपने क्षेत्र में पार्टी को बढ़त दिलाने और जीत के दावे किए थे, लेकिन लाखों की जीत के बजाय सत्तारूढ़ दल को करीब 2 लाख मतों से हार मिली। रिजल्ट बता देगा 1 फरवरी को कि रामगढ़ प्लस में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों के अंतर से इस लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कराएगी और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार की तरह राजस्थान भर में सबसे ज्यादा इन 17 विधानसभाओं के चुनाव है, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, 17 की 17 में अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा मतों से हमारे प्रत्याशी को जीत दिलाकर आदरणीय मोदी जी के पास भेजेंगे। उधर बदलाव करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस स्तर से यह परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही जाती है।
वही पार्टी के ही भीतर उठने लगे नेतृत्व परिवर्तन के सवालों को भाजपा एमएलए प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह रजावत ने सिरे से नकारा है। हालांकि सुधार की आवश्यकता को बताने से यह विधायक भी नहीं चुके। विधायक भवानी सिंह रजावत के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में परिवर्तन से ज्यादा कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर विधायक प्रहलाद गुंजल के अनुसार हार के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन की बात करना बेकार है और समझदारी इसी में है कि बचे हुए इस कम समय में सब मिलकर आगे की तैयारी करें, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल सके। गौरतलब है कि वरिष्ठ भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी शुरू से ही सरकार के खिलाफ रहे हैं और बजट सत्र के पहले दिन वे विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंच गए थे। वहीं चर्चा है कि कई और विधायक भी अंदरूनी तौर पर सरकार के खिलाफ है। साथ ही वित्त मंत्री का यह बयान भी चर्चित हो चला जो उन्होंने प्रदेश बजट के बाद दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने यह कह दिया था कि बजट की घोषणाएं सरकार के इस कार्यकाल में पूरा होने की कोई गारंटी नहीं। कुल मिलाकर आने वाला समय सरकार और संगठन के लिए खासा मुश्किल साबित होने वाला है। यह मुसीबत अब और बढ़ गई है क्योंकि हार कई नेताओं को पच नहीं पा रही। इससे जुड़ा नया विवाद तब शुरू हुआ जब रामगढ़ के भाजपा एमएलए ज्ञानदेव आहूजा ने एक कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए लोकसभा में प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव को टिकट देने को गलत बताया, साथ ही हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार बताया। सरकार बदनाम, ये तो सरकार आ रही है, तुम थोड़ी आ रहे हो, मैं थोड़ी आ रहा हूँ। ये तो 17 विधानसभा सीटों का चुनाव हुए, 8 अलवर के, 8 अजमेर के, 1 मांडलगढ़, 17 विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो तू ओम प्रकाश बजीत नहीं आ रहा, चौधरी ज्ञानदेव आहूजा नहीं आ रहा, सरकार हारी है और पूरी तरह से हारेंगे। अगर नेतृत्व का परिवर्तन नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बदला गया, तो बहुत बुरी हालत राजस्थान में होने वाली है। अभी तो 3 उपचुनाव है, राजस्थान विधानसभा की और लोकसभा की। इसके जवाब में डॉक्टर जसवंत यादव भी नहीं चुके और इस पर डॉक्टर नेता ने यहां तक कह डाला कि आहूजा को मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। डॉक्टर यादव के इस बयान के जवाब में आहूजा दोबारा बेबाक होकर बोले और कहा कि वह यादव को आगरा ले जाकर इलाज करवाएंगे। अगर देश को भी लाभ नहीं, खुद को भी लाभ नहीं और पार्टी को लाभ नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान मानसिक परेशानी है, कहीं ना कहीं। ये मेरा डॉक्टर हूँ क्योंकि मैं फिजिशियन भी हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ, कहीं ना कहीं परेशान हूँ। कुल मिलाकर अगले विधानसभा चुनाव से पहले जहां वरिष्ठ नेता सुधार के लिए चिंतित हैं, वहीं कई स्थानीय नेता हालात को और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी आपसी लड़ाई पार्टी की छवि को भी आघात पहुंचा रही है। अलवर जिले में बाहरी इलाकों से नाबालिग लड़कियों को लाकर उनसे देह व्यापार कराने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने थानागाज क्षेत्र के गांव लाहका बास स्थित अड्डे पर छापामार कार्यवाही की। इस अड्डे से 4 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, वहीं 10 युवतियां मौके से फरार हो गई। मुक्त कराई 4 लड़कियों में एक नाबालिग अविवाहित माँ है जिसके 2 बच्चे हैं जो उसके भाई बहन के पास भरतपुर में रहते हैं। लाहका बास में देह व्यापार का धंधा काफी समय से चल रहा है लेकिन स्थानीय पुलिस ने अभी तक यहां कोई कार्यवाही नहीं की। मुक्त कराई गई लड़कियों में 3 भरतपुर और 1 गांव सहाड़ी अकबरपुर की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि उन्हें यहां पर कौन लाया था। उधर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रवण सिंगल का कहना है कि गांव लाहका बास में बाहर से लाई गई बालिकाओं को बंधक बनाकर अनैतिक काम करवाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मानव तस्करी निरोधी यूनिट प्रभारी राम रूप मीणा के नेतृत्व में छापा मारा गया। मुक्त लड़कियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया जहां से समिति ने उन्हें मदर टेरेसा होम भेज दिया। 4 नाबालिग लड़कियों का आज मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। हमें जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि थानागाजी में लाहकाबास जगह जहाँ वैश्यवृत्ति का कार्य हो रहा है और नाबालिग बच्चियों से ये कार्य कराया जा रहा है, इस पर मानव तस्कर यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम गठित की गई और वहाँ पर छापा मारा गया तो 4 नाबालिग बच्चियों को हमने बरामद किया है जिनको लेकर हम यहाँ आए हैं और जिनको हमने बालिका आश्रय गृह में रखा हुआ है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर खार से सूचना मिली थी कि थानागाजी क्षेत्र के लाहा के वास में
10 12 लड़कियां देह व्यापार के लिए लाई हुई है बाहर से खरीद कर और उनको बंधक बना रखा है और देह शोषण उनसे डेली करवाया जाता है। सूचना पर चाइल्ड लाइन टीम को और मानव तस्करी की टीम दोनों टीमें एक साथ गई। SHO थानागाजी को साथ में लेके वहाँ पर छापा मारा, उसमें से काफ़ी लड़कियाँ पास में नाला होने की वजह से उसमें भाग गई। 4 लड़कियाँ वहाँ से बरामद हुई है, उनमें 3 लड़कियाँ भरतपुर की है, 1 अलवर की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज केंद्रीय कारागृह में विधिक सेवा केंद्र डिजिटाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके जरिए बंदियों से जुड़े सभी तरह के आंकड़े मिल सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज अशोक कुमार व्यास द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार मिश्रा, प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलथूरिया और जिला कारागृह के अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। विधिक सेवा केंद्र के डिजिटाइजेशन के माध्यम से कैदियों की नियमित तारीख, पेशी, संबंधित अधिवक्ता आदि जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इस तरह से बंदियों का नवीनतम डेटा ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जिला कारागृह के चिकित्सक डॉक्टर OP गुप्ता, जेलर अशोक भारद्वाज, मुक्ति यदुवंशी और हाकम सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज केंद्रीय कारागृह अलवर के अंदर स्थित विधिक सेवा केंद्र का डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम हमने माननीय जिला सत्य न्यायाधीश महोदय श्रीमान अशोक कुमार जी व्यास के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर माननीय अशोक कुमार जी व्यास, जिला सत्य न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण मिश्रा जी और इसके अलावा अधीक्षक केंद्रीय कारागृह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत जो ये डिजिटाइजेशन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके अंदर विधिक सेवा केंद्र के अंदर जितने भी वहाँ जेल के अंदर बंदी हैं उन सबका डिजिटाइजेशन करने का कार्य किया जाएगा और उसके अंदर जो प्रत्येक बंदी है, बंदी कौन सी तारीख पेशी पे कौन से न्यायालय में जा रहे हैं और उसकी आगे की क्या तारीख पेशी है, ये भी उस डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत रखी सम्मिलित किया गया है। भरतपुर के कुम्हेर में नगर निगम के एक पार्षद पर कुछ बदमाशों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके अलावा दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। पार्षद गोविंद सिंह अपने एक साथी के साथ कार में जा रहे थे, तभी कुम्हेर थाना क्षेत्र में अलवर मार्ग पर पीछे से दूसरी कार में आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर डाली। यह बदमाश डंडों से हमला कर उसे घायल कर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने एक वीडियो भी वायरल किया जिसमें वह एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहे हैं और पीड़ित बचने की गुहार कर रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पार्षद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों की तलाश में जिले में नाकेबंदी कराई गई। पीड़ित गोविंद सिंह ने बताया कि हिस्ट्री शीटर बदमाश कुलदीप अपने अन्य साथियों के साथ आया और उस पर हमला किया। हादसा उस समय का है जब वह अपने काम के लिए एक पेट्रोल पंप पर जा रहा था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास और अधिकारिता विभाग की ओर से अमृत हार्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 9 से 13 मार्च तक चलेगा। अमृत हार्ट की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय BL रमन की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी ऋषि राज सिंगल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांवरलाल नागौरा सहित नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारी सिंगल ने बताया कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले साल की तरह इस बार भी कंपनी बाग में अमृत हार्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। महिला अधिकारिता विभाग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाता है। उसमें विभाग ने पिछली बार एक नवाचार किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो भी सामग्री और उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनके विपणन और उनके मार्केट लिंकेज के लिए और उनके प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर अमृता हाट आयोजित किए जाएं। अलवर ज़िले में पिछली बार अमृता हाट बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा था। उसी कड़ी में माननीय मंत्री महोदया ने विगत वर्ष ही अलवर ज़िले में पुनः अमृता हाट आयोजन करने के निर्देश दिए थे, उसकी घोषणा की थी। उसी की अनुपालना में 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अमृता हाट अलवर ज़िले में आयोजित किया जाएगा। आज अमृता हाट आयोजन की जो कमेटी है श्रीमान जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, वो मीटिंग श्रीमान ADM सेकंड साहब की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई, जिसमें मेला स्थल के रूप में कंपनी गार्डन का चयन किया गया है और विभिन्न व्यवस्थाएं वहां पर स्टॉल्स की, पानी की है, महिलाओं के रहने
खाने की हैं, ये सब व्यवस्थाएं निश्चित करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी वहाँ पर जो उपस्थित रहे उनको निर्देश जारी किए गए हैं। तो हम प्रयास यही करेंगे कि अलवर ज़िले में पुनः एक बार महिलाओं को अवसर मिला है, आमजन को अवसर मिला है कि महिलाओं के द्वारा जो बिल्कुल अपने हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उन सब में आप आएँ और उन सामानों को ख़रीदें ताकि आपको रुचिकर सामग्री वहाँ देखने को भी मिले और उन महिलाओं का भी आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। तो पुनः मैं मेरे सभी अलवर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मेले में आएँ और मेले का लाभ उठाएँ। अलवर के डेहरा शाहपुरा स्थित चूड़ सिद्ध में दो दिवसीय प्रसिद्ध मेले का आज अंतिम दिन था। इस दौरान कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया जिसमें पहलवानों ने दमखम दिखाया। यह मेला हजारों साल पुराना है जिसमें कई राज्यों से सभी धर्मों के लोग आते हैं। कुश्ती दंगल में अंतिम कुश्ती 31,000 रुपए के लिए रखी गई। वहीं कुश्ती के रेफरी माता दीन भाटी ने बताया कि यह कुश्ती मेला कमेटी द्वारा हर साल आयोजित किया जाती है। इसमें दूर दूर से आए पहलवान अपनी जोर आजमाइश करते हैं। उधर कमेटी के सदस्य चौधरी मुबारक के अनुसार कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जाता है। उनका कहना था कि आर्मी और पुलिस फोर्स में आजकल कुश्ती का क्रेज फिर से बढ़ा है। पहले कुश्ती धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी लेकिन अब इसे बढ़ावा मिल रहा है। शिवरात्रि के दूसरे रोज बाला डेरा में बाबा चूड़ सिद्ध का दंगल का मेला आयोजित होता है जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के दूर दूर के पहलवान यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना दंगल है। इसमें किसी तरह की भी कमेटी की तरफ से कोई कमी नहीं देती है। पहलवान ईमानदारी से कुश्ती करते हैं, कमेटी ईमानदारी से उनको पारितोषिक इनाम देती है। ये करीब 800 साल पुराना मेला है जिसमें सभी लोग बड़े चाव से उत्साह से कुश्ती में दंगल में साथ लेते हैं। एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक प्रतीक है। इस मेले में सभी लोग बड़े उत्साह से और लगन से इसको देखते हैं। अपना दंगल है, लोकल पहलवानों का यहाँ से उदय होता है और बाल पहलवान होते होते यहाँ के बहुत पहलवान नाम रोशन किया है इस दंगल के माध्यम से। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ने दो दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत अलवर के नगली सर्किल पर महाआरती का आयोजन किया। साथ ही बर्फ से 21 फीट का शिवलिंग भी बनाया। वहीं भक्तों ने भगवान शिव की आराधना की। इस दौरान काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने आरती की। दो दिवसीय कार्यक्रम में रक्तदान शिविर भी लगाया गया और भंडारा भी संपन्न हुआ। यहाँ समाज सेवी और अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी भी मौजूद रहे। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की तरफ से दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है जिसमें कल 13 तारीख को महाआरती का आयोजन किया गया जिसमें झांकियों का भी आयोजन रखा गया और आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और साथ में भंडारा। अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर सनातन युवा शक्ति संगठन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली से पूर्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वंदे मातरम के जय घोष के साथ रैली निकाली गई। रैली शहीद स्मारक से शुरू होकर नगली सर्किल और बिजली घर चौराहा होते हुए भगत सिंह सर्किल पहुंची। यहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली संयोजक और संगठन के संयोजक विजय यादव ने बताया कि रैली के माध्यम से सैकड़ों युवाओं ने उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान शहीद हुए चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक से हमने ये सिंथेटिक रैली चालू की है, भगत सिंह सर्किल पर श्रद्धांजलि दी है और हम चंदन गुप्ता को भी, श्री चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि देते हैं इस सिंथेटिक रैली के द्वारा और युवाओं को जागृत करते हैं कि आज के दिन शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी तो वैलेंटाइन डे न मनाकर आज के दिन शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाए। उधर यह भी चर्चा रही कि रैली के संदर्भ में 3 दिन पहले प्रशासन को पत्र सौंपा गया था लेकिन प्रशासन ने रैली के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ पदाधिकारियों ने इस बात को गलत ठहराया। उधर संगठन से जुड़े जितेंद्र राठौड़ का कहना था कि 14 फरवरी को शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी इसलिए आज वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा। सनातन युवा शक्ति के वो अध्यक्ष हैं विजय यादव, उनकी ओर से देशभक्ति को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। शांतिपूर्वक उन्होंने शहीद स्मारक से लेकर भगत सिंह सर्किल तक उनको माल्यार्पण करके अपना जो भी है देशभक्ति के प्रति जज्बा दिखाया गया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
कुख्यात गैंगस्टर हरिया ने किया आत्मसमर्पण, एनकाउंटर से घबराया शातिर। उपचुनाव में हारने दिग्गजों का बिगाड़ा बैलेंस, राजस्थान में छिड़ा बयानों का युद्ध, वहीं हवा हवाई निकले भाजपा के दावे। छापामार कार्यवाही में चार नाबालिगों को कराया मुक्त, देव व्यापार का हुआ खुलासा। प्रेमियों ने त्योहार की तरह मनाया वैलेंटाइन डे, प्यार का किया इजहार, वहीं बजरंग दल ने दिखाए तेवर। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।